संगीत शास्त्रीय संगीत खासकर ऐसी चीज है जो कि दिलों में प्यार मोहब्बत और इज्जत के भाव पैदा करने वाली क्षमता होती है। इसमें हम कलाकार लोग थोड़ी सी देर के समक्ष आपके रहते हैं और डेढ़ दो घंटे में हमको अपने 50 साल की साधना को दिखाना होता है। कोशिश ये रहती है, जैसा कि मुझे मेरी माँ ने समझाया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा जन्म एक कलाकार के रूप में हुआ है और कलाकार का धर्म क्या है, वो ये है कि लोगों के दिल में सुकून पैदा करना, दिल में मोहब्बत पैदा करना, खुशनुमा वातावरण कर देना। जिस तरह अगरबत्ती की खुशबू फैलती है, उसी तरह संगीत के जब सात स्वर फैलने लग जाते हैं तो तमाम वातावरण पवित्र हो जाता है। शास्त्रीय संगीत में वो शक्ति है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ ने जो कहा, अब तुम्हारा फर्ज ये है कि यहाँ बैठे हुए जितने भी सब लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे छोटे बच्चे हों, सबके दिल में जगह बनानी है और सबको आपका वादन पसंद आए, ऐसा अपना प्रस्तुतिकरण कीजिए। तो मैं उनकी शिक्षा को मानता हूँ अभी तक, क्योंकि जो भी मैंने सीखा वो अपने मदर से ही सीखा शुरू से ही। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भगवान को देखा नहीं लेकिन मदर को देखा। और वो जो है समूची जो नारी जाति है, मैं उसको सृष्टिकर्ता मानता हूँ। इस पूरी दुनिया को बसाने में उन्हीं का ही होता है सब कुछ कंट्रीब्यूशन। तो मेरा एक नमन पूरी नारी जाति को, मेरी माँ को और हमारे शास्त्रीय संगीत को। मैं शुरू कर रहा हूँ राग बिहाग से। बिहाग में आलाप जोड़ झाला जो हमारा ट्रेडिशनल होता है, और फिर उसके बाद में विलंबित गत और द्रुत गत मुस्तफ़ा जी के साथ में होगी, त्रिताल में निबद्ध होगी। ये राग खुशियाँ बरसाने वाला राग है, सरे प्रश्न का राग है। इसका जो स्वरूप है वो एक बड़े उत्सव की तरह है कि जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए तो उस समय अयोध्या वासियों के दिल में जो एक उमंग और जो दीपावली जैसी मनाई गई, उसका इस पर इम्पैक्ट आता है इस राग से। तो ये खुशियाँ बरसाने वाला राग है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इस पर निभा सकूँ इसको। धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए मुझे। Thank you.
Thank you.
Thank you.
times are. Musicians are inspired by the birds, how they feed. They have a pair of men. एक कोयल बैठती है वो आके गाना शुरू करती है कुछ मोर आते हैं उसकी आवाज़ उनकी आवाज़ को सात सरों में डालने की कोशिश की है